वेलकम बैक टू माय चैनल ताज किचन सामने रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज हम माशाल्लाह इफ्तारी के लिए एग से बनाएंगे रेसिपी अच्छी सी, तो आपको मैं शेयर करती हूँ, बना के देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए, हमने आपको जितने अंडे चाहिए आप उतने बॉइल कर लें। हमारे अंडे वगैरह बॉइल हो रहे हैं, तब तक हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे मैदा। जितने आपको अंडे डालने हैं, जैसे कि 10-20 लिए तो आप केजी 1 किलो मैदा ले लें। तो देखिए गाइस, अभी हमने मैदे को अच्छा छान कर ले लिया है। मैंने 8 अंडे डाले, उसके अनुसार मैंने 1 केजी से थोड़ा कम मैदा लिया। आप ज़्यादा लें तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा ले लें अंडे डालें तो। अभी हम इसमें 1 टीस्पून भर के साल्ट डालेंगे, हल्का सा होने दें। अभी इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। तो अभी इस बैटर बनाने के लिए हम लेंगे इसमें पानी। तो गाइस देखिए, हम इसमें अच्छा सा मिक्स कर लें साल्ट को और इसमें हल्का हल्का पानी डालें, अच्छे से मिक्स करें। जैसे हमें डोसे का बैटर होता है ना, वैसे बनाना है इसको। तो देखिए गाइस, अच्छे से बैटर बन चुका है, एकदम गाढ़ा बैटर बना लिया हमने। इसमें सिर्फ हमने साल्ट डाला है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेसर में जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑनियन लेंगे हम। गाइस देखिए, हमने एक पैन लिया, उसे गर्म कर लें, उसमें हम डालेंगे ऑयल। लगभग 1/2 कप ऑयल डाल लें हम। ऑयल हमारा गर्म हो जाए, हमने ऑनियन पहले से कट करके रखे हुए हैं, 4 से 5 ऑनियन लिए मैंने। और अच्छे से फ्राई करें ऑनियंस को। ये हम स्टफिंग बना रहे हैं एग रोल के लिए, जो कि बहुत ही लाजवाब बनेगा। माशाल्लाह, आप ज़रूर बना के देखेगा, रमज़ान में इफ्तारी की तैयारी के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो हम अच्छे से ऑनियन को ब्राउन अच्छा ब्राउन हो चुके हैं, साल्ट 1/2 टीस्पून डाला मैंने, टर्मरिक पाउडर हल्का सा, धनिया पाउडर हल्का सा, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे, मैंने चिकन गरम मसाला लिया है, वो डालें चिकन मसाला, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा चाट मसाला डालेंगे और हल्का सा जीरा पाउडर डालेंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा पानी लेंगे इसमें, हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाए थोड़ा और डालते हैं। सॉफ्टनेस चाहिए हमें ऑनियन में, क्रिस्पीनेस नहीं चाहिए। और गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और ढक्के से 5 से 10 मिनट। गैस हमारे एग बॉईल हो चुके हैं, एग को हमने 2 पीसेस में कट कर लिए कुछ इस तरीके से, आप भी ऐसे कट कर लें और अभी साइड में कर दें। और देखिए, ढक्के हम बना रहे हैं अपने ऑनियन स्टफिंग के लिए, तो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, इसे साइड में कर देंगे। तो देखिए गैस, हमने एक तवा लिया है, तवा हमारा गर्म हो रहा है। अभी हम इसमें ऑनियन का छिलका लेंगे, उस पर हल्का सा ऑयल लेके स्प्रेड करेंगे तवे पे, ताकि हमारा डोसा चिपके नहीं। और अभी हमने जो बैटर बना के रखा है, वो लेंगे। अब इसमें हम एक जैसे छोटा डोसा डालते हैं, उसी तरीके से एक डोसा बनाना है। इस पर हल्के हाथों से घुमाना पड़ेगा गाइस,
स्मॉल साइज में बनाएंगे। तो देखिए गाइस, हमें पलटना नहीं है डोसे की तरह से, सिर्फ वन साइड हल्का सा इसको हमें सॉर्ट आउट करना। देखिए ट्राई करना, अभी इसे हम हल्के हाथों से लेके प्लेट में इसे रख लें। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने सेकेंड डोसा डाला है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के आ रहा है। इसी तरीके से आप सारे बना लें जितने भी आपको चाहिए। एक चम्मच भर के हम स्टफिंग डाल दें। और अभी हम इसमें जो एक बॉईल करके रखा है उसका एक पीस डाल दें और इसे हल्के हाथों से इसे फोल्ड कर लें। और इसे हम हल्के हाथों से उठाएंगे अच्छे से। इसे हमने ऑयल में से निकाल लिया और तवे पे रख दिया इनको ताकि ऑयल अच्छे से निकल जाए। और इसके भी तवे का फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब तक हम ऑयल में डालेंगे फिर तवे पे रखेंगे। हमारे अंडे रोल, एग रोल है, स्पेशल है एग रोल ये, आप ज़रूर बना के देखिएगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। इसे सॉस के साथ, मायनीज के साथ आप सर्व करें, मजे लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।